क्यों हुआ अष्टभुजा गोलीकांड और क्या है इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी हम आपको दिखलाएंगे एक्सक्लूसिव न्यूज युग पर। आखिर क्यों इस कांड में बिहार के सफेदपोश बाहुबली नेता का नाम लिया जा रहा है और कौन है ये बाहुबली नेता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सफेदपोश बाहुबली नेता सुनील पांडे की। सुनील पांडे उर्फ डॉक्टर डॉन, जिनको कि बिहार के अच्छे अच्छे माफिया जानते हैं और इनसे डरते हैं और खौफ खाते हैं। आखिर अष्टभुजा पर्वत पर इनकी पूरी कहानी है क्या? नजर डालते हैं डॉक्टर डॉन उर्फ सुनील पांडे की इतिहास आखिर रही क्या है, इनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे, इनके ऊपर आरोप लगे कोर्ट परिसर में बम धमाके की, इनके ऊपर आरोप लगे पटना के एक बड़े सर्जन से फिरौती की, 50 लाख की फिरौती मांगी गई, इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने यूपी के जो सबसे बड़े डॉन माने जाते हैं मुख्तार अंसारी की फिरौती ली थी, इनके ऊपर तमाम ऐसे दर्जनों आरोप लगे, उनके ऊपर आरोप लगे रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर सिंह के हत्या के साजिश के, इनके ऊपर आरोप लगे शहाबुद्दीन के राइट हैंड सिल्लू मियाँ की हत्या के आरोप में, तमाम ऐसे आरोप हैं इनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा इनका जो कारनामा लोगों ने को अचंभित करता है वो ये था कि जब बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना था और सरकार बनानी थी तो इन्होंने लगभग दर्जनों टॉप 10 अपराधियों को एक श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया था और उस समय सरकार बन गई थी। हालांकि 7 दिन बाद सरकार गिर गई। तो ये है पूरी इनकी गाथा। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि आखिर अष्टभुजा जैसे पवित्र स्थल पे गोलीकांड क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण थे। 14 तारीख की शाम को हम जहाँ पे मौजूद हैं अष्टभुजा पहाड़ी पर, इन्हीं स्थानों पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं स्थानों पे बिहार से लोग आए हुए थे, खाना पीना और मौज मस्ती का कार्यक्रम हो रहा था। अचानक यहाँ पे एक गोली चलती है और भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तुरंत पुलिस को ये बात पता चलती है और पुलिस ने क्या है कि एसपी के रहनुमाई में, एसपी के पूरे देखरेख में एक टीम बनती है और इन लोगों को घेर लिया जाता है और इनको चिल्ल के पास से कुछ लोगों को पकड़ा जाता है तो कुछ लोगों को कहीं और से पकड़ा जाता है। यहाँ से इसकी कहानी चालू होती है। लेकिन सबसे पहले हम आइए देखते हैं, जानते हैं कि आखिर जो मिर्ज़ापुर के एसपी है वो क्या कहते हैं इस प्रकरण में। जनपद मिर्ज़ापुर में थाना विंध्याचल अंतर्गत अष्टभुजा पहाड़ी है, उसी के पीछे खुले मैदान में सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से कुछ लोग आए थे, जो लोग आपस में खाना वाना बना रहे थे वहाँ पे, उसके बाद उनमें कहासुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी में एक व्यक्ति ने अपने ही साथियों पे फायर कर दिया था। इस सूचना पे तत्काल पूरी टीम के साथ हम लोग लगे और ये सूचना मिली कि इसमें जो लोग फायर करने वाले थे वो एक गाड़ी में करके भागे हैं चील थाने की तरफ। तो हमारी पूरी टीम ने उसका पीछा किया और ये चील थाने के अंतर्गत इस गांव में आके घेराबंदी किया गया, कॉम्बिंग किया गया और कॉम्बिंग के बाद उसमें शामिल 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, उनकी गाड़ी भी पकड़ ली गई है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका भी इलाज कराया जा रहा है, अभी डॉक्टर से बात हुई, स्टेबल है। और ये लोग बिहार से आए हुए हैं, क्या कारण रहा, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों आपस में उलझ गए, इसकी जाँच की जाएगी। फिलहाल घटना की सूचना होने पर तत्काल चेस किया गया, चेस में 3 लोगों को पकड़ा जा चुका है, फर्दर जो भी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। इस गोलीकांड से मिर्जापुर में चर्चा का बाजार हर तरफ बहुत ही तेज था कि आखिर कौन है ये सुनील पांडे और क्यों इस गोलीकांड में इनका नाम आ रहा है। बहरहाल पुलिस ने पहले इनसे पूछताछ की थी, फिर इनको डिटेन किया गया था एक होटल में और कल यानी 18 तारीख को इनको गिरफ्तार करके, सुनील पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है।
कैमरामैन आफ्ताब के साथ इंद्रेश पांडे, न्यूज़ युग, मिर्ज़ापुर।